गाइस एक सवाल है मेरा, क्या जीन्स सिर्फ लड़के पहन सकते हैं? नहीं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, उन्हें भी हक है, इनफैक्ट वो पहनती हैं। तो फिर स्कर्ट क्या सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं? अगर कोई लड़का स्कर्ट पहन के आ जाए तो हम उस पर हंसते क्यों हैं? ये हमें नागवार क्यों है? कुछ ऐसा ही हुआ स्पेन के एक स्कूल में, जहां पर 15 साल का एक स्टूडेंट माइकल गोमेज स्कर्ट पहन के स्कूल पहुंच गया। तो स्कूल की अथॉरिटी ने पता है क्या किया? उसे स्कूल से ही एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की सलाह तक दे डाली। लेकिन उसके मैथ के टीचर को, जो कि खुद एक मेल था, उसे ये बात पसंद नहीं। अगले दिन वो मैथ का टीचर खुद स्कर्ट पहन के स्कूल आ गया और उस बच्चे को सपोर्ट करने लगा। देखते देखते बाकी मेल टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। गाइस सोशल मीडिया पे उसे बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन मेरा फिर से एक ही सवाल है, जिसको जैसा पसंद हो वो वैसे कपड़े पहन सके, ऐसी फ्रीडम हमें कब मिलेगी? स्पेन जैसे देश में ये हालात है तो बाकी कंजर्वेटिव कंट्रीज में क्या हालात होंगे? गाइस आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। कोरोना के इस महामारी में अगर सबसे ज्यादा बुरे दिन किसी को देखने पड़े हैं तो वो है गरीब और मजदूर परिवार। कई जगह लॉकडाउन की वजह से इन परिवारों के पास खाने तक के पैसे नहीं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ट्रांसजेंडर ऐसे परिवारों के लिए फरिश्ता बनके सामने आई। इस ट्रांसजेंडर ने राजस्थान के धौलपुर जिले में 30,000 से ज्यादा परिवारों को राशन के किट बांटे हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। इन ट्रांसजेंडर का नाम है देविका और भारत सरकार की तरफ से उन्हें इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया। गाइस आपका इस रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलता है।